सुपरस्टार संजय दत्त और रॉकिंग स्टार यश के फैन हैं और केजीएफ चैप्टर 3 से जुड़ी न्यूज चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है केजीएफ चैप्टर 2, जिसे की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को लगभग 6,500 स्क्रीन और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस किया गया था। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको यश के अलावा संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म को सिर्फ एक 16 साल के लड़के ने एडिट किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि इस फिल्म का एक्शन हो या फिर हो इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, ये फिल्म दोस्तों हर तरह से एक बेहतरीन सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देती है और ऑडियंस का दिल जीत लेती है। हर मोमेंट्स पर दोस्तों इस फिल्म आपको गूज़बम्प्स देखने को मिलने वाले हैं। रॉकिंग स्टार यश का स्वैग अनमैचेबल है और यही वजह है दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर तो ऐतिहासिक कमाई करते हुए 53 करोड़ से ज्यादा बड़ी ओपनिंग ली और हिंदी ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में काफी धमाकेदार रेस्पॉन्स मिला और इस फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपए की जानदार कमाई की। बताते चले दोस्तों आपको कि ऑडियंस की तरफ से मिले हुए फंटास्टिक रिव्यूज की वजह से केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने शुरुआती 4 ही दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 546 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था और इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। मात्र 100 से 120 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि ये फिल्म सिर्फ 100 करोड़ के बजट में बनाई गई है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ ही, 350 करोड़ ही और 200 करोड़ ही फिल्में भी इस तरह से आपको एक्सपीरियंस नहीं दे पाती जिस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर केजीएफ चैप्टर 2 मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट में दे देती है। बताते चले दोस्तों आपको कि केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 750 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर दिया था और इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर फिल्म साबित हुई और RRR के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी थी। ये इस फिल्म का दूसरा हफ्ता चल रहा है। इस हफ्ते दोस्तों इस फिल्म के सामने जर्सी जैसी बड़ी फिल्म है, वहीं दोस्तों अपने पहले हफ्ते इस फिल्म के सामने बिस्ट जैसी बड़ी फिल्म थी। इन दोनों ही फिल्मों से मिलने वाले कंपटीशन के बावजूद भी केजीएफ चैप्टर 2 रुकने का नाम नहीं ले रही और इस फिल्म ने दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाकेदार तरीके से की है और इस फिल्म ने अपने 9वें दिन कमाए हैं दुनिया भर से 40 करोड़ रुपए, वही काफी हिस्टोरिक है। और आज इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर एडवांस के मामले में 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया है और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म हिंदी में एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने जा रही है। दोस्तों इस फिल्म की आज ऑल ओवर इंडिया से जो एडवांस है वो 19 करोड़ 80 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। दुनिया भर से इस फिल्म की जो एडवांस है वो 21 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है और आज इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो 40% से ज्यादा की है, जो कि कल के 22% की ऑक्यूपेंसी से कहीं ज्यादा बेटर है। यही वजह है दोस्तों कि आज इस फिल्म के कलेक्शंस में 40-50% की ग्रोथ देखी जा रही है और आज ये फिल्म अपने 10वें दिन जहां ऑल ओवर इंडिया से ही 45 से 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है तो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 55 करोड़ की कमाई के साथ 850 करोड़ रुपए के क्लब में भी शामिल होने जा रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही अपने शुरुआती 9 दिनों का जो कलेक्शन था वो 280 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। आज ये फिल्म हिंदी में लगभग 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 297 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा और ये फिल्म हिंदी में ऑल टाइम टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है और आज दोस्तों सिर्फ एडवांस में ही ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1000 करोड़ नहीं बल्कि 1200 से 1500 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है और बॉक्स ऑफिस इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से केजीएफ चैप्टर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है, केजीएफ चैप्टर 3 जिसे कि अमेरिका में हुए क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स के ऊपर बनाया जाएगा, ये फिल्म क्या रिकॉर्ड्स बनाएगी, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।